तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है गुफ्तगू, इस चैप्टर का टोटल सब्जेक्टिव यानी कि रिटर्न क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर के राइटर हैं अलीफ सरदार जाफरी और गुफ्तगू नाम यानी कि ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसको मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर पढ़े होंगे तो जितना भी क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैप्टर को पढ़ लिया करें। ऑलरेडी मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और पूरा का पूरा 12th क्लास उर्दू का ऑल चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है प्लेलिस्ट को तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे ऑल चैप्टर 1x1 करके आप लोगों को मिल जाएगा, हर एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा और तब आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। और आई होप आप लोग चैप्टर पढ़ लिए होंगे गुफ्तगू। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पढ़ लिए हैं तो आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फाइनली स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सवाल मुख्तसर तरीन सवालात से यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को एक ही लाइन में या फिर एक ही लफ्ज़ में दे देना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं जूम कर दी ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा और साफ दिखाई दे। अगर वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा है ना तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि क्वालिटी लो रहता है ना तभी धुंधला दिखाई देता है। तो आप लोग 720 नहीं तो 480 पिक्सल में करके देखेंगे एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है, यानी कि गुफ्तगू नज़्म जो है ना कविता इसके शायर कौन है, लिखने वाले कौन है। तो ये तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी, वो है अली सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अली सरदार जाफरी राइटर यानी कि मुसन्निफ़ है, आप यूँ कह सकते हैं शायर है क्योंकि नज़्म के तो शायर ही होते हैं ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, ये रिटर्न में नहीं पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा गया है। और याद रखिएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है, यानी कि गुफ्तगू जो नज़्म है यानी कि ये जो कविता है गुफ्तगू इसको शायर ने किसके ऊपर लिखा है, किसके नाम किया है। तो याद रखिएगा गुफ्तगू नाम का जो नज़्म है कविता इसको शायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम के ऊपर लिखे हैं, यानी कि इस नज़्म को हिंदू पाक की दोस्ती के नाम शायर जो है ना किए हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इस नज़्म में गुफ्तगू इसका टाइटल क्यों दिया गया, गुफ्तगू का मतलब होता है कन्वर्सेशन, यानी कि शायर को लगता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच बातचीत होगी तो जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच, दोनों मुल्कों के बीच, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो जाएगी। तो इसी बात को शायर जो है नज़्म के अंदाज़ में लिख कर बयान कर दिए हैं और इसीलिए इसका टाइटल दे दिया है गुफ्तगू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुफ्तगू नज़्म जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम लिखा गया है। तीसरा सवाल देखते हैं फटाफट, एक मिनट रुक जाए। हाँ, तीसरा सवाल है कि शाम में मुलाकात कब तक चलेगी, तो सुबह तक चलेगी, शाम से सुबह तक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसी मुलाकात हो कि शाम से सुबह तक चले। चौथा सवाल, अल्फाज के हाथों में क्या है, तो संग दुष्नाम, ये हर एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं वो एक दूसरे, उनके अल्फाज के हाथों में क्या है, संग दुष्नाम, यानी कि जब वो बोलते हैं तो उनके ज़ुबान से गाली के पत्थर निकलते हैं जो एक दूसरे पर फेंकते हैं, मतलब एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, तिरछी नज़र से देखते हैं, एक दूसरे को तंग कसते हैं। वही बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फाज के हाथों में क्या है, संग दुष्नाम यानी कि गाली के पत्थर हैं। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा सवाल, तंज कैसा जाम छलकाता है, तो तंज जो है ना जहर का जाम छलकाता है। छठा सवाल, तश अबरुए खमदार से आप क्या समझते हैं, तो तश अबरुए खमदार से मुराद तीखी नज़रें हैं, तीखी नज़रें जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो है ना एक दूसरे से तीखी नज़रों से देखते हैं। सातवां सवाल, किसके चटकने की सदा आती है, यानी कि किसके सदा यानी कि किसके चटकने की आवाज़ें आती हैं, तो गुंजों के चटकने की सदा यानी कि आवाज़ें आती हैं। किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है, देखिए अगर आप लोग इस नज़्म को पढ़े हैं जो कि मैं आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ तो इस हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे। किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में आई हुई है ये आप लोगों को बताना है, तो दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है, दर्द और प्यार की सौगात लिए, आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है। क्वेश्चन नंबर 9, तारों भरी रात किस तरह चलती है, तो तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को 5-6 लाइन में लिख देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दर्ज़ाइल इक्तबास को पढ़िए और उसकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए, मतलब कि यहाँ पर इक्तबास दिया गया है टुकड़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं,
वही क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा, बसत लग्न से पा आएगा, नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएंगी, सिर्फ गुंजों के चटकने की सदा आएंगी। ये है इकतबास यानी कि टुकड़ा, मतलब कि जो नज़्म है गुफ्तगू उसी का दो दो चार एक पाँच पाँच लाइन उठा कर दे दिया गया है, जिसको क्या बोला जाएगा, इकतबास यानी कि टुकड़ा बोला जाएगा, मतलब नज़्म का एक टुकड़ा यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसी मतलब इसी इकतबास से रिलेटेड। यहाँ पर जो पांच लाइन नज़्म का उठा कर दिया गया है इकतबास टुकड़ा, तो बस इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर्फ वफा से आप क्या समझते हैं और यह कब और किस तरह आएगा। तो देखिए जवाब में लिखा है कि हर्फ वफा से मुराद मोहब्बत है, यानी कि हर्फ वफा से मुराद क्या, हर्फ वफा का मतलब क्या, मोहब्बत। यह हर्फ वफा सुबह तक ढलने के बाद आएगा, यानी कि शाम से सुबह तक शाम में मुलाकात चलेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, सुबह तक चलेगी और सुबह ढलने के बाद यह हर्फ वफा यानी कि मोहब्बत आएगी। इसकी कैफियत यह होगी कि यह ऐश बनकर आएगा, जब आएगा तो निगाहें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगी और होंठ कांपने लगेंगे। यानी कि ये बताया जा रहा है, आप लोग नज़्म पढ़े होंगे तो पता होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शायर जो है ना चाहते हैं कि मुलाकात हो और ऐसी मुलाकात हो जो शाम से सुबह तक चले, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुलाकात शाम से सुबह तक चलेगी तो एक दूसरे से जो भी बातें होंगी तो सुबह ढलने के बाद कोई ना कोई एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकलेगा और उस वक्त जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो जाएगी। यानी कि हर्फ वफा से मुराद क्या है, मोहब्बत, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से वापस वही मोहब्बत जग जाएगी, ठीक है, और निगाहें झुक जाएंगी, दिल धड़कने लगेंगी, होंठ कांपने लगेंगी, यानी कि फिर से इन दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है इसी से रिलेटेड, इसी इकतबास यानी कि ये जो पांच लाइन है ना इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल पूछा गया है। देखिए दूसरा सवाल है कि इश्क किस तरह आएगा, लग जिसरे पा के मानी क्या है। तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि लग जिसरे पा के मानी है लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ, यानी कि इश्क भी इसी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा, होंठ कांपते, दिल धड़कते हुए, नजरें झुकाए हुए इश्क आएगा। उस वक्त खामोशी और सकूत ऐसी होगी कि गुंजों के चटकने की आवाज़ साफ सुनाई देगी। यानी कि बोल रहे हैं कि शाम में मुलाकात जब सुबह तक चलेगी ना तो जो भी बातें होंगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच और बात हो जाने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद से इश्क आएगा और वो भी लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा, होंठ कांपेंगे, दिल धड़केंगे और नजरें झुक जाएंगी और सिर्फ खामोशी होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच और इतनी खामोशी की गुंजों के चटकने की आवाज़ें यानी कि उनकी सदा सुनाई देगी, आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई देगी, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, नज़्म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा कीजिए या फिर लिखिए। तो नज़्म जो गुफ्तगू है ना इसका खुलासा कर देना है, मुख्तसर खुलासा पाँच छः लाइन में आप लोगों को कर देना है कि आखिर इस नज़्म यानी कि इस कविता में क्या बताया गया है, शायर क्या बताने की कोशिश किए हैं और अपने जज्बातों को किस तरह लिखकर बयान किए हैं नज़्म के ज़रिए। तो देख लेते हैं, जवाब में लिखा हुआ है कि ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफरी है, यानी कि गुफ्तगू नाम के नज़्म के खालिक लिखने वाले कौन है, अली सरदार जाफरी। यह नज़्म उन्होंने हिंदू पाक के मसाइल के मंज़र में लिखी है और दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब भी बताई है। शायर दोनों मुल्कों की तारीख से भी वाकिफ़ है, इसलिए उन्होंने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि उन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढा जाना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अली सरदार जाफरी जो है ना ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मसला है इसका, इस मसले से निजात पाने के लिए उन्होंने क्या तरकीब निकाला है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या हो, गुफ्तगू हो और गुफ्तगू के ज़रिए इसका हल ढूंढा जाए। और गुफ्तगू ऐसी चीज़ होती है ना, बातचीत, कन्वर्सेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि दुनिया के बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। और शायर को भी हिंदू पाक के मसाइल का हल गुफ्तगू में ही नज़र आता है, यानी कि शायर को भी लगता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से बात करेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वह चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो कि दोनों ममालिक के आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिर खास ख़त्म हो जाए। इसीलिए शायर चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो यानी कि इतनी लंबी वो मुलाकात चले कि जब तक दुश्मनी ख़त्म ना हो जाए और मोहब्बत ना फिर से पैदा हो जाए तब तक वो मुलाकात ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, दर्ज़ाइल इकतबास की तशरी अपनी ज़ुबान में कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये इकतबास दिया गया है यानी कि गुफ्तगू नाम का नज़्म का जो है ना टुकड़ा दिया गया है, चार पांच लाइन उठा दिया गया, चार ही लाइन है, एक दो तीन चार, हाँ,
तो गुफ्तगू नज़्म का यहाँ पर चार लाइन उठा कर दे दिया है, जो कि इसको आप लोग क्या कहेंगे, इक्तबास कहेंगे यानी कि टुकड़ा कहेंगे। तो इसी चार लाइन का आप लोग को क्या करना है, तशरीह करना है अपनी ज़बान यानी कि अपनी भाषा में। आप चाहे तो अपनी भाषा में कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर, लेकिन देख लेते हैं ज़रा जवाब में ये क्या लिखा है, ताकि आप लोग लफ्ज़ों को भी पकड़ सकें कि लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से लिखा जाता है। और मेरा मेन मकसद यही है, क्वेश्चन आंसर कराने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं पढ़ रही हूँ ना, तो आप लोग लफ्ज़ों को पकड़ सकें कि लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं तशरीह को। मंदर ज़ैल बारा इक्तबास सरदार जाफरी के ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू से माखूज़ है। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया है। बोला जा रहा है कि ये जो चार लाइन दिया गया है, इक्तबास यानी कि टुकड़ा दिया गया है, ये अली सरदार जाफरी की ज़ेर निसाब यानी कि हम लोगों के निसाब, हम लोगों के सिलेबस में शामिल गुफ्तगू नज़्म से माखूज़ है, यानी कि गुफ्तगू नज़्म से लिया गया है ये इक्तबास। ठीक है, यह नज़्म दरअसल हिंदू पाक के मसाइल के पस मंज़र में लिखी गई है। इस इक्तबास में अली सरदार जाफरी ने आपसी मसाइल के हल के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलहाना गुफ्तगू की मंजरकसी की है। वही बात लिखा गया है जो मैं आप लोगों को बताई कि इस नज़्म में, इस इक्तबास में शायर जो है ना ये बताने की कोशिश किए हैं। देखिए मैं पढ़ भी दे रही हूँ इक्तबास। हाथ में हाथ लिए सारा जहाँ साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रे गुजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। यानी कि मुलाकात ऐसी हो कि शाम से सुबह तक चले और इतनी बातें हों कि जब तक दुश्मनी ख़त्म ना हो तब तक मुलाकात ख़त्म ना हो। ठीक है, हाथ में हाथ लिए यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है ना एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, यानी कि दर्द का तोहफ़ा लिए प्यार की सौगात लिए, रे गुजारों से अदावत के गुजर जाएंगे। ठीक है, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे, यानी कि सारी दुश्मनी हम लोग छोड़ देंगे, एक दूसरे से वापस से मोहब्बत से रहने लगेंगे। वही बात जो है ना, यही बात शायर इस इक्तबास में ज़ाहिर किए हैं लिख कर, और यही आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को एक पेज नहीं तो डेढ़ पेज में लिखना होता है। स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि नज़्म गुफ्तगू में शायर किन ख्यालात का इजहार किया है, यानी कि गुफ्तगू नज़्म में शायर किन ख्यालातों को जाहिर किए हैं, ये आप लोगों को बताना है। देख लेते हैं यहाँ पर जवाब में क्या लिखा गया है। ज़ेर निसाब नज़्म गुफ्तगू में शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के मौजू पर इजहार ख्याल है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नज़्म गुफ्तगू जो है ये, इसको शायर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के मौजू पर लिखा है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है। 1974 ईस्वी से पहले हिंदू पाक दोनों मुल्क एक ही थे और हुकूमत बरतानिया के ग़ुलाम थे। दोनों मुल्क के अवाम ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल किया। आज़ादी तो मिल गई मगर आज़ादी के साथ मुल्क की तकसीम की मुसीबत भी साथ लाई। अब तक जो हिंदू मुस्लिम दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहती आई थी, दोनों कौमों के दरमियान दुश्मनी हो गई, जिसके नतीजे में एक ही मुल्क हिंदुस्तान दो जोग्राफिया ख़तों में तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा और दूसरे का नाम पाकिस्तान हुआ, और इस तरह दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। देखिए बाहर से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए, मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुने और लफ्ज़ों को पकड़ने की कोशिश करें कि किस तरह से लफ्ज़ों को सजाकर आंसर लिखा जाता है। शायर ने इन तमाम सियासी और तारीखी पस मंज़र से वाकफियत रखता है, इसलिए शायर ने दो मुल्कों के इन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए करने का मशवरा दिया है। शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। शायर को हिंदू पाक के मसाइल का हल भी गुफ्तगू के ज़रिए ही नज़र आता है, इसलिए वो चाहता है कि दोनों ममालिक के हुक्मरानों के ज़रिए गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो उस वक्त तक ख़त्म ना हो जब तक दोनों मुल्कों के मसाइल हल ना हो जाए। वही बात लंबा चौड़ा लिखा गया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। नज़्म गुफ्तगू के शायराना खूबियों को वाज़ह कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को गुफ्तगू जो नज़्म है ना, इसकी शायराना खूबियों को बताना है, इसकी विशेषताओं को बताना है कि इस नज़्म में क्या खूबियाँ देखने को मिली, क्या खूबियाँ वाज़ा हो रही हैं, ये आप लोगों को बताना है। जब आप देखते हैं, नज़्म शायर की एक अहम सिंफ है, किसी एक मौजू को मरकज़ बनाकर नज़्म की तख्लीक की जाती है। गज़ल में हर शेर मौजू और ख्याल के एतबार से अलहदा होता है, लेकिन नज़्म में किसी एक ख्याल को ही मरकजियत हासिल होती है। नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़्मों में से एक है। इस नज़्म को उन्होंने हिंदू पाक की दोस्ती के नाम मंसूब किया है, और नज़्म में उन्होंने मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब बताई है। मतलब वही बात आप लोग को बता देना है कि नज़्म जो गुफ्तगू है इसकी कौन कौन सी खूबियाँ आप लोग को दिखाई देती है इस नज़्म में। लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं तो अपने ज़ुबान अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि सरदार जाफरी की शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार करें, यानी कि अली सरदार जाफरी की शायरी पढ़कर और मतलब उनकी शायरी आपको कैसी लगती है, आप अपनी वाकफियत का इजहार करें, यानी कि अली सरदार की शायरी को लेकर आपकी क्या मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है, ये आप लोगों को बताना है। आपका क्या एक मतलब अली सरदार जाफरी किस तरह के शायर हैं, उनकी शायरी कैसी है, इससे आपको अपनी वाकफियत का इजहार करना है कि आप क्या सोचते हैं उनकी शायरी के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जवाब में लिखा हुआ है कि जदीद उर्दू शायरी में सरदार जाफरी की शख्सियत मुताज तारुफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न उर्दू जो शायरी अभी चल रही है इसमें सरदार जाफरी की शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जदीद नज़्म नगार शायर की हैसियत से उन्होंने अपनी एक शनाख्त बना ली है। सरदार जाफरी का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के मेमारों में होता है। आज़ादी के बाद जब सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान चले गए तब सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसनिफ़ का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। सरदार जाफरी ने यूँ तो अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाना नगारी से शुरू किया और 1936 ईस्वी में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाई हुआ। 1936 में इनका कहानी का किताब मंजिल शाई हुआ, लेकिन उसी ज़माने में वह शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। देखिए, स्टार्टिंग में अली सरदार जाफरी का जो है ना अफसानों का किताब भी शाये हुआ था, प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। यानी कि स्टार्टिंग में अली सरदार जाफरी अफसाना यानी कि कहानी लिखा करते थे, लेकिन फिर बाद में उसी ज़माने में ही वह शायरी की तरफ मतवज हो गए, यानी कि शायरी लिखना स्टार्ट कर दिए, शायरी पढ़ना स्टार्ट कर दिए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमें अफसाना लिखना है कि नहीं लिखना है। वो शायरी की दुनिया में ही आगे बढ़ते चले गए और मशहूर व मकबूल होते चले गए। प्रवास, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और, पैराहन और लहू पुकारता है उनके अहम शायरी मजमू हैं। यानी कि ये जितने भी हैं ये सब शेर व शायरी की किताबें हैं। किसकी लिखी हुई? तो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई। एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम उनकी तवील नज़में हैं जिनसे सरदार जाफरी की शायराना पुख्तगी का पता चलता है। शायरी में सरदार जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कहीं, लेकिन आज़ाद नज़म की साख्त उन्हें ज़्यादा मरगूब है और इस हैयत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ के साथ ही जहाँ शेर व अदब की बुनियादी ज़मीन में वाज़ा तब्दीलियाँ रूनमा हुई, वहीं उर्दू नज़्म ने भी एक नई करवट ली। उसी ज़माने में आज़ाद नज़्म और मुर्रा नज़्म की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, नज़में भी मकबूल होने लगीं। सरदार जाफरी ने देगर तरक्की पसंद शुरा के साथ मिलकर तरक्की पसंद नज़्म गोई की रिवायतों को आगे बढ़ाया और एशिया के तरक्की पसंद शुरा में अपनी पहचान बनाई। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 12 पूर्ण रूप से कंप्लीट। चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही लिए थे, आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सारा का सारा रिटन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज के इस वीडियो में। बस ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑब्जेक्टिव में वन बाई वन करके ऑल चैप्टर लाइव कराऊंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन फ्री रहिए, वो तो होगा, ऑल चैप्टर का मैं कराऊंगी वन बाई वन करके लाइव। ठीक है, बस ये सब्जेक्टिव जो चल रहा है इस पर ध्यान दीजिए, हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव यानी कि रिटन क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, तभी तो एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाएंगे ना। तो आई होप आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, जितना भी क्वेश्चन आंसर कराई, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, अगर कोई भी डाउट भी है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को, उस डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।